उस वक्त नवाज शरीफ का इंटरव्यू करना एक बहुत बड़ी बात होती थी। नवाज शरीफ साहब बाहर से नए नए आए हुए थे, ये फरमाइशी इंटरव्यूज देते थे लोगों को। और मैंने कई दफा परवेज रशीद साहब से कहा जी मुझे नवाज शरीफ का इंटरव्यू करवा के दें। अच्छा। उन्होंने कहा जी मैं जरूर करवा के दूंगा, बेफिक्र हो जाए आप। ठीक है। मैंने कहा जी खड़े खड़े दो तीन सवाल मैं पूछूंगा, वो जवाब देंगे। ठीक है। तो एक रिपोर्टर की ये कामयाबी होती है कि वो बातचीत कर ले, सवाल पूछे लीडर से, वो जवाब दे और वो जाके ऑन एयर जाए। तो उस वक्त ये बहुत बड़ी बात थी 2008 में 2009 में, ये बहुत बड़ी बात होती थी कि आप टीवी पे खुद दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। वरना टेलीविजन के ऊपर आना इतना, अब तो बहुत इजी हो गया ना सोशल मीडिया ये वो सब, तब ये नहीं था, इससे 14-15 साल पहले ऐसे नहीं था। बिल्कुल। तो परवेज रशीद साहब ने मेरे से प्रॉमिस तो किया लेकिन मुझे मौका नहीं देकर दिया। मैं उन्हें अक्सर याद करवाता रहता था। एक दिन जियो के एक रिपोर्टर है वो कि हामिद मीर साहब के साथ गए इंटरव्यू करने के लिए। हामिद मीर साहब ने इंटरव्यू करना था नवाज शरीफ का। ठीक है। तो उन्होंने कोई तर्दा मिन्नत किया तो नवाज शरीफ साहब ने उनको खड़े खड़े दो सवालों के जवाब उन रिपोर्टर हैं उनको भी दे दिए। उनको भी दे दिए। ठीक है। मैंने वो क्लिप देखा, मैंने कहा जी प्रॉमिस तो मेरे से किया हुआ था इन्होंने और इनका इंटरव्यू हो गया। मैं एक्सप्रेस में था, वो जियो में थे। मैंने परवेज रशीद साहब को कॉल किया तो शायद वो उस दिन कोई डिप्रेशन में थे या गुस्से में थे। उन्होंने मुझे डांट दिया। अच्छा। उन्होंने कहा यार तुम अपने आप को देखो, तुम्हारी हैसियत है नवाज शरीफ का इंटरव्यू करने वाली। अच्छा। हाँ जी। और उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारी हैसियत नहीं है कि तुम नवाज शरीफ का इंटरव्यू करो। उन्होंने 4-5 एंकर्स के नाम लिए, मैं अब नाम नहीं लूंगा। ठीक है। उन्होंने कहा वो प्राइम टाइम में प्रोग्राम करते हैं टीवी चैनल्स के ऊपर, तुम एक रिपोर्टर हो यार, तो मैं जब होएगा मेरा दिल करेगा मैं बताऊंगा तुम्हें, ऐसे नहीं यार तुम मुझे बार बार ना तंग करो। ठीक है। उन्होंने मुझे डांट दिया ठीक ठाक। तो मैंने उन्हें थैंक्स बोला, मैंने कहा सर बहुत शुक्रिया आपका मुझे समझाने के लिए, मुझे रास्ता मिल गया। उस दिन मैंने ये फैसला किया कि ये सारे प्रोग्राम करते हैं इसलिए इनको इंटरव्यूज मिलते हैं और ये तो ताना है मुझे, तो मैं ये करूंगा। हम 2013 के इंतखाबात के लिए एक हमने कॉन्सेप्ट निकाला कि हमने पूरे पाकिस्तान में ट्रेवल करना है और लोगों की राय लेनी है। ठीक है। तो हम लोगों की राय लेने के लिए ट्रेवल कर रहे थे। मैं दरियाए स्वात के किनारे हमारी गाड़ी चल रही थी तो मुझे फोन आया परवेज रशीद साहब का। अच्छा। अब ये कई साल के बाद बात हो रही है। ठीक है। और परवेज रशीद साहब ने मुझे कहा कि इमरान साहब कैसे हैं आप? मैंने कहा जी मैं ठीक हूँ। उन्होंने कहा जी कि आपका प्रोग्राम मियां नवाज शरीफ साहब ने देखा है और वो कह रहे हैं कि ये एक अलग नौयत का, क्योंकि पाकिस्तान का सर्वे हो रहा है तो एक अच्छा प्रोग्राम है, तो वो आपको इंटरव्यू देना चाह रहे हैं। क्या बात है, ये मजे की बात है। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जी मैं आ जाता हूँ इंटरव्यू देने, कब है? उन्होंने मुझे दिन बताया कि इस दिन इंटरव्यू है तो आप रेवन पहुंच जाइएगा। ठीक है। मैंने कहा जी ठीक है। फिर मैंने फ़ोन बंद किया और मैंने वहाँ पे अल्लाह ताला के दरिया के किनारे मैंने जान माल डाल के तो शुक्राने के नवाफिल अदा किए कि रब कितना बेनियाज है जिसने कहा था कितना मेहरबान है तुम इस काबिल हो और, ये करोगे। हाँ, और अब वो खुद कॉल मैं ये बात किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं बता नहीं, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैसेज देने के लिए मेरे सारे दोस्तों को जो नौजवान है उनको इस बात का पता चले। हसन अफरीदी स्पीक्स को सब्सक्राइब करना मत भूले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह करें।